सर फ्रेंड्स, आज हम जावा में पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग या स्पेशल वर्ड का प्रोग्राम देखेंगे। तो पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग और स्पेशल वर्ड क्या होता है, इसको सबसे पहले तो समझना होगा हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम रिलेटेड क्वायरी या क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हमें पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, जब भी कोई किसी स्ट्रिंग को हम स्टार्टिंग से लास्ट काउंट करें या लास्ट से स्टार्टिंग देखें सेम लगेगा, तो उस कंडीशन में नंबर की स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम होगा। जैसे MADAM लास्ट से भी हो जाएगा और स्टार्टिंग से भी MADAM होगा, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। जैसे लेवल को LEVEL स्टार्टिंग से लास्ट और लास्ट से फर्स्ट, ये भी LEVEL, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, सिंपल। वैसे ही अब आते हैं स्पेशल वर्ड में। स्पेशल वर्ड में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ओनली इक्वल अगर होता है तो स्पेशल वर्ड होगा, जैसे विंडो का W और W। अब एक चीज होता है दोनों में कॉमन, हम अगर प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उस समय इसको यूज करना होगा। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो है वो आपका स्पेशल वर्ड होगा ही, पर जो स्पेशल वर्ड है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगा। तो हमें पहले पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करना है, अगर है तो वो इसको स्पेशल वर्ड भी कर सकते हैं हम। उसके बाद स्पेशल वर्ड चेक करना है, और लास्ट में दोनों नहीं है तो उसके लिए हमें एक मैसेज देना है। तो हम आते हैं सबसे पहले तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग STRREV, इसको ब्लैंक देते हैं, सिंपल हो गया। int i दे देते हैं फॉर लूप के लिए, और l दे देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए। स्कैनर लगाते हैं SCNNER स्कैनर, SC इक्वल टू कर देते हैं न्यू स्कैनर System.in। मैसेज देते हैं यूजर को System.out.println इंटर एनी स्ट्रिंग इनपुट करवा दिए मैसेज देकर, और उसको स्टोर करेंगे हम STR में। तो STR इक्वल टू हम कर देते हैं SC.next लाइन, STR में हम उसको स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है, जब यूजर इनपुट करेगा तो वो अपर केस लोअर केस किसी में भी इनपुट कर सकता है, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम या तो अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम दे देते हैं STR इक्वल टू STR.to लोअर केस, लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो L इक्वल टू कर देते हैं STR.length, लेंथ निकालिए। अब क्या करना है, चूंकि हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग जो रिवर्स एरे हम स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं उसमें एक एक करके लास्ट से कैरेक्टर को उठा उठा के स्टोर करेंगे। जैसे M आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर M आएगा, इस तरह क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टोर करना है, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल टू l माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। सबसे पहले तो इस फॉर लूप को समझना होगा। फॉर लूप क्या है, चूंकि l माइनस 1 किस लिए किया गया है, जब भी स्ट्रिंग है तो ये एक तरह से एरे है, एरे जीरो पॉकेट से चूंकि काउंटिंग होता है, इसलिए लेंथ जो होगा उससे माइनस 1 तक ही जाएगा। और जो कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट पॉकेट तक जाना चाहिए, सिंपल हो गया। और एक एक करके डिक्रीमेंट होता जाएगा और स्टोर होता जाएगा। तो REV इक्वल टू हम कर देंगे REV प्लस STR.charAt, एक एक करके स्टोर होता चला गया। अब क्या करना है, हमें सिंपल एक चेकिंग लगाना है, इफ STR इक्वल अगर है डॉट इक्वल्स REV से, अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में प्रिंट करो System.out.println स्ट्रिंग इज स्पेशल वर्ड एंड पैलिंड्रोम, एल्स इफ, सिर्फ स्पेशल वर्ड है तब तब के लिए करेंगे, इफ STR डॉट
चार एट जीरो यानी फर्स्ट वाला कैरेक्टर और लास्ट वाला इक्वल टू एस टी आर डॉट चार एट एल माइनस वन लास्ट वाला अगर बराबर है तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज सॉरी वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ वर्ड एल्स दोनों में से कोई नहीं होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम नॉट इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। सॉरी अब इसको हम रन करेंगे। देखते हैं MADAM देख सकते हैं मैडम मैडम स्ट्रिंग इज स्पेशल वर्ड और पैलिंड्रोम दोनों है। अब हम जो स्पेशल वर्ड है पर पैलिंड्रोम नहीं है तो उसके लिए हम करते हैं फिर से कंपाइल करेंगे और रन करते फिर से। अब देखते हैं हम जो स्पेशल वर्ड है पर पैलिंड्रोम नहीं है जैसे विंडो। विंडो एक स्पेशल वर्ड है पर पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम जो स्पेशल वर्ड नहीं है और पैलिंड्रोम भी नहीं है उसके लिए हम देते हैं लाइक एल ई एन जी टी एच लेंथ। ये ना तो स्पेशल वर्ड है ना पैलिंड्रोम है। तो इस तरह हम आसानी से स्पेशल वर्ड और पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल क्या है, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, एक एक जिसमें हम यूजर से इनपुट करवाएंगे और एक जिसमें हम रिवर्स के स्टोर करेंगे। आई फॉर लूप के लिए डिक्लेयर करना है और एल देना है लेंथ के लिए। फिर क्या करना है, स्कैनर की सहायता से एसटीआर में उस स्ट्रिंग को स्टोर कर देना है। फिर उसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर देना है और लेंथ निकालना है। लास्ट से फर्स्ट तक मूव करना है और एक एक कैरेक्टर को रिवर्स में स्टोर करके सिंपल चेक करना है। रिवर्स और एसटीआर अगर इक्वल है तो प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम या स्पेशल वर्ड, अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में चेक करना है स्पेशल वर्ड है कि नहीं। तो स्पेशल वर्ड का कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर अगर सेम है तो प्रिंट करेंगे स्पेशल कैरेक्टर, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो नॉट स्पेशल वर्ड एंड नॉट स्पेशल ये पैलिंड्रोम। इस तरह हम आसानी से लॉजिक यूज करके छोटे छोटे प्रोग्राम को बना सकते हैं और आगे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें।